बसमिल्लामानी असल मैं हूँ सैबी काजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ इमरान खान ने एक तकरीर जो की उसके बाद मीटिंग्स का एक बड़ा अहम सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ जो अमरीकी ताकतवर लोगों का एक बड़ा अहम वक्त इन हालात में रात गए पाकिस्तान इस्लाम पहुँच चुका है उनकी क्या तफसील है यूक्रेन के वजी खारजा का तीस साल बाद पाकिस्तान का जो पहला दौरा बिलावल के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद कौन से मुतालबात बड़े स्ट्रेंज किस्म के मुतालबात हैं और रूस ने पाकिस्तान से वजाहत भी तलब की ये मामला क्या है और बरतानिया भी इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हरकत रहे हैं। अचानक ये गैर मुल्क क़ोतें क्यों मुतारक हो गई अदलिया को एक बड़ा हुक्म मिल गया पच्चीस जुलाई को बड़ा फैसला सुनाओ केसेस को सख्त करो किसने दिया क्या करना चाह रहे हैं और इस वक्त लोगों के जहन में के एक इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस होने जा रही है एक ऐसे वक्त में जब नून लीग की क्यादत को भी ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में होना चाहिए कम अज़ कम मरीम नवाज़ को लेकिन वो मंजर आम से ग़ायब है उसकी क्या वजह कहाँ है वो और इकोनॉमी महंगाई ने किस तरह तबाही मचाई हुई है आवाम की कबर टूटी है पी डी एम के पंद्रह महीनों की तबाही की तफसीत थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ लोग क्यों खामोश है फवाद चौधरी ने भी माफ़ी मांगी किससे क्यों और मिली कि नहीं हुकूमती साफी इस वक्त टी वी पर बैठ कर गहरा दुल्हन वाला मेकअप करके गला फाड़ते हैं से झाग उड़ाते ऊँची आवाज में म्यूजिक के पीछे छुप कर ये बातें करते हैं शाहजेब खान ज्यादा कल कह रहा था इमरान खान ने बेसब्री की वरना हुकूमत इन्हीं की थी अच्छा मजे की बात है कि ये लोग जब टीवी पर बैठकर बात करते हैं तो इमरान खान की मुखालफत में बात करते हैं लेकिन यही लोग जब यूट्यूब पर आते हैं या फेसबुक पर आते हैं ट्विटर पर आते हैं तो इमरान खान की हमायत करते हैं क्योंकि इनका तरीका वारदात है ही और ये अब सबको पता चल चुका है कि इमरान खान की सोशल मीडिया पर हुक्मरानी है उसका सबूत इमरान खान का यूट्यूब टिक टॉक फेसबुक ट्विटर सब कुछ इमरान खान अगर जीत जाता उस वक्त तो ये सबसे पहले कमर बाजवा को उठाता ये इन्होंने वारदात बताई कि जी नया चीफ लगाने में भी रुकावट लगा रहे थे लेकिन हकीकत इन्हें भी पता है कि 10 अप्रैल 2022 को जब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए निकला है उस वक्त इन्हें अंदाजा हुआ क्योंकि सर्वे अंदाजे मिसकल सब कुछ गलत निकला और मीडिया के जो साफ़ी ने जाके बताते थे ना कि इमरान खान खैर मकबूल है वही इनके मुँह पर आके कहने लगे जी एलेक्शन अगर हुआ इमरान खान जुर्लू फेर देगा और उसका सबूत फिर जुलाई में जो इंतखबा थे वो आप सब ने देख लिया क्या हुआ तहरीकन साहब अस्सी फीसद नशस्तें उसके जीत कर और अगली हुकूमत बनाने का ये ऐलान था लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपना फिर बयानिया बदलना शुरू किया सुेल बड़ाए छामिद मीर गरीदा शायद फलां फलां ये तमाम लोगों को एक बयानिया दिया कि इमरान खान के वोटर्स के अंदर मायूसी फैलाओ तरीकिन साहब जो छोड़ के चले गए जैसे वाडा हो गया परवेस खटक हो गया इस्तेकाम पार्टी वाले लोग इस तरह उनसे एक बयान दिलवाओ कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे उसके नाम पर काटा लगाएंगे वो नहीं आ सकता ये हारेंगे पार्टी तोड़ देंगे ये करेंगे वो करेंगे अब इन्होंने अदलिया के जजेस से भी यही पैगाम भिजवाए सबसे पहला जो हुक्म हमायूँ दिलावर जज साहब को मिला तोशा खाना फौजदारी मुकदमे में कि पच्चीस तारीख को अगर मुमकिन हो तो हर सूरत में या उससे पहले भी कर दो इमरान खान को नायल करने की कोशिश करो और जो दफात लगी हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सजा सुनाओ इमरान खान को कोशिश इनकी गिरफ्तार करके किसी नाम आलूम मुकाम पर एक दफ़ा फिर पुलिस या रेंजर्स की वर्दियों में अपने स्पेशल लोग लाएं मखसूस लोग इमरान खान को गिरफ्तार करें ये बीस बाईस दिन रह गए कोशिश ज़रूर करेंगे एडवेंचर करेंगे क्योंकि यह सूरत हाल इस वक्त इनकी कंपनी अपने हुए बनाए जाल में फंस गई है एक तरफ प्रवेश घटक है एक तरफ, तरफ तरीके है, दोनों। इन्हें लगता था कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ेंगे लेकिन मसला ये होगा पंजाब में तरीके इंसाफ और इधर आपको पता है मुस्लिम नून के साथ है अब नून पर हाथ रखें तो तहरीके तरीके इस तो बर्बाद होती है और तरीके इसकाम पर हाथ रखे तो नून लीग नाराज होती है के पी में जे यू आई फजल रहमान का ग्रुप है परवेज़ प्रवेश फटक को तबाह कर देता है और अगर परवेज़ खटक पर उन्होंने शफकत की तो जे यू आई का सफाया हो जाए इसलिए बुरी तरह फंस चुके हैं कि इमरान खान का टोटल अपोजिट जो अगेंस्ट वोट है वो बीस फीसद और एक अनार बीस के बीमार तो वो बीस फीसद वोट कैसे बांटे ने समझ नहीं आ रहा सबको खुश रखना राजी रखना और फिर दूसरी तरफ मगरब का एक दबाव तरीकन इंसाफ को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते खान को नायल नहीं कर सकते जेल में अगर डालेंगे तो तहरीकन इंसाफ के अगेंस्ट जो बीस फीसद वोट है ये भी सारे का सारा खान की तरफ है देख ले पूरी पार्टी झुरलू फेर देगी क्योंकि आवाम की हमदर्दियाँ पाकिस्तान की तारीख है मजलूमियत का वोट और वो भी इमरान खान के साथ अब ये जो 20 फीसद लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं ये भी साथ जुड़ जाएंगे लोग इस वक्त महंगाई से शदीद परेशान है आगे चल के मैं बताता हूँ आपको जरा ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते नायल नहीं करते उसको चलने देते हैं अपना इलेक्शन कंपेन चलाने तो उनके सारे मनसूबे फार यूरोपीय मुबसरीन मगरबी दुनिया सब देख रहे हैं इस वक्त तो मीशत के जो तमाम मनसूबे हैं वो इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बढ़कर देखें इन्हें जो कुछ कह रहे हैं ना इलेक्शन मुलतवी कर दें निगरान सेटअप के लंबे अरसे रखें उस पर आसिफ अली जरदारी की गर्दन पकड़ने को तैयार है वो एक एक दिन गुजार के उसकी बिलावल उसका बिलावल कब मतलब हुकूमत में है लेकिन ये नहीं पता कि नवाज शरीफ वजारत उजमा से कम राजी नहीं हो रहा कि मैं ना आऊं तो मरियम नवाज़ हो नहीं तो वजारत अला अब इतदार के लिए उसके भाई शहबाज शरीफ से पागल हुए ख़ानदान में आपको पता है अपने बेटे हमजा शहबाज की तरह बड़ा शदीद तरीन दबाव है कि जी बाहर ये भाग जाते हैं कुर्बानियाँ हम देते हैं हमारे कारोबार बंद हमारे मामलात बिगड़ते हैं वो कहते हैं जी आप शीन से शहबाज शीन से शेर बने अब नवाज शरीफ को रास्ते से अगर हटाया जाए नवाज शरीफ की उनकी जो चालें समझता है वो जानता है कि इलेक्शन की अनौंउंसमेंट कर रहे हैं बीस पच्चीस दिन पढ़ें कोई ना कोई वारदात करेंगे और कैंपेन भी चलानी है मरीम नवाद अगर जल से जुलूस करेगी तो शहबाज शरीफ को फ़ायदा होगा इसीलिए वो मंजर आम से गायब है लेकिन उसकी तीन मुमकिन सूरत हाल है मरीम नवाज़ के गायब होने की एक नवाज शेफ को अपनी जान का भी बड़ा शदीद खतरा है खास को अपनी बेटी की जान का याद रखिएगा रास्ते से हटाए जा सकते हैं और माजी में हुआ है ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है वो वो पाकिस्तान इसीलिए नहीं आ सकता बेनजीर भुटो का देखें दो कि उसको रास्ते से हटाया गया तो कौन बना आसिफ अली जरदारी इसीलिए वो ये मामला सारा जानते हैं और वो जो अपना छोटी सी करवाने गई थी मतलब सर्जरी तो उस वक्त उनको यही बात थी कि अक्सर का प्लास्टिक सर्जरी में मसायल भी आते हैं जो कि आपको पता है आपको बड़ा किरदार हो छोटे अखलाक हो तो मतलब आपको कम चेहरा दिखाना अवाम के सामने तो फिर जलसों में अवाम ने नहीं आना अगर इस तरह के मसायल हुए वो भी ठीक करने हैं तो तीसरा उनका जो बड़ा मसला है कि वो शदीद दिल बर्दाश्त भी है कि तो मैं नानी बन चुकी हूँ मैं गुजारती माँ के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई एक तरफ़ बिलावल को भी छोटा कहते हैं और किरदार मतलब वो तो किरदार की वजह से कहते हो लेकिन उम्र की वजह से मुझे क्यों छोटा कहते हैं क्या शरीफ होना या सत्तर साल को होना लाजमी है अब मरीम सफदर भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है नवाजशरीफ की बेटी हो लेकिन ताकतवर लोग कहते हैं नहीं वो भी नाराज हैं खामोशी से अपना एहतजाज कर रही है तो ये तीन सूरत हाल उनके आम से गायब होने की अच्छा इमरान खान ने जो तकरीर की साइफर का मामला था अमरीका यूरोप में हलचल हल 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 मची उसमें, एक अला सतह का वक्त पाकिस्तान में इस्लाम आबाद में मौजूद है और इन्हें पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम की बड़ी फिक्र है एक तो जाहिर एटमी थार है दूसरा सियासी इसकाम की फिक्र क्यों है कि रूस के साथ आपको पता एक महदा पहले हुआ था यूक्रेन का नेटो में मैं शामिल नहीं हुआ बाद में अमरीका कहने पर हो गए आज रूस के साथ जंग करते डेढ़ साल हो गए अमरीका ने अपनी तमाम कॉलोनियों को ये ग़ुलाम है कहा में, में करो छोटे मोटे गुलामों ने फौरन करके कर दिया अब ताकतवर जो थे चीन हो गया इवन हिंदुस्तान हो गया वो आपको पता उन्होंने क्या किया अब इमरान खान ने पॉलिसी बयान दिया कि हम दोनों तरफ नहीं है रूस का फिर दौरा हुआ लेकिन दूसरी तर जनरल बाजवा सा एन उसी टाइम आपको तकरीर याद हो उसमें कहा जी मैं मुजम्मत करता हूँ बल्कि चीन की भी मजबत बीच में अमरीका से हथियार उनकी बेहतर नहीं खुलकर रूस की मुखालफत और यूक्रेन की हमारे। अब ये मामला यहाँ खत्म होने हुआ है रूस का जो अभी यूक्रेन का सोरी वजी खारजा है तीस साल बाद साफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल दिया बिला किसी वजह से रूसी साफी को उस पर रूस ने बड़ा शदीद एहत किया वजात मांगी है कि भाई क्यों आपने हमारा साफ़ी निकाला यूक्रेन का वजी खारजा वहाँ कोई जवाब नहीं अब जो खबरें गर्दिश में है कि यूक्रेन के वजी खारज़ा की, की ताकतवर हलकों से मुलाकात है उसमें वो यही दरख्वास्त करने जा रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के मलेशिया दस्ते नीम फौजी रूस की सरहद पर चाहिए बिलावल तर्दीद करता है कि यूक्रेन को हमने कोई असला नहीं ठीक है मान लेते तो फिर यूक्रेन की बटालियन कमांडर क्यों वीडियो पेगाम दे के बकायदा तौर पर असला मार्टर सारे दिखा रहे वीडियो में पढ़ी है सारी सोशल मीडिया पर भी कंपनियां रजिस्टर्ड जो है वो जो एयर रूट बना हुआ है तैयारों की लैंडिंग का रिकॉर्ड है ये सारा कहां से या तो ये सारा कह दें नहीं आवाम को बता दें कोई मसला नहीं लेकिन यूक्रेन के वजी खारजा की जो मुलाकात होगी उसका अलमिया भी नहीं आएगा जा है कि तीन हजार डॉलर फी बंदा अभी अब देखें कतर की सिक्योरिटी के अभी तक स्टेट बैंक की उसमें पैसे नहीं आए अभी गुलामाना खारजा पॉलिसी है इसमें से निकल नहीं सकती इसलिए दबाओ एक तो इंटरनेशनल स्टेबलिशमेंट का है उस सिलसिले में अमरीकी मौजूद है बरतानवी लोग मौजूद है प्रवेश कटक जैसे लोगों से मुलाकात जिस तरह राजा रियाज जैसे लोगों से हंसी आती है राजा रियाज के अब इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत एक ही जगह पर यूक्रेन बस और अभी पाकिस्तान की बदतरीन सियासी दौर का ये पंद्रह महीने पचास साल पीछे पाकिस्तान को लेकर पीटीएम में यूक्रेन की डेढ़ साल की लगी हुई जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा गया और यकीन कैसे ठीक करने के लिए भी कम अज़ कम दस साल मुसलसल पॉलिसी चाहिए होगी मैं सिर्फ इमरान खान के कोरोना के दौर के इंतजाम देखता हूँ तो एक उम्मीद नज़र आती है कि यार ये पंद्रह फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उन्होंने अपने मामला ठीक किए करेंसी पाकिस्तान से बेहतर की पेट्रोल सस्ता किया अद्वियात मिल रही हैं खुराक मिल रही है महंगाई काम है उनकी तजारत भी चल रही है माहे भी हो रहे हैं चालीस साल जंग भी करते हैं तो उन्हें देख के तसली होती है कि शायद इन शाला हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे ये सिर्फ पी डी एम की वारदातें आप देखें कि आपको वाकई जिस तरह कहते ना ओलेक्स पे बेच दे वो वाला मामला हो रहा है सच में टेलीकॉम बैंकिंग के इदारे तकरीबन सौ फीसद बिक या अस्सी फीसदी शेयर है एयरपोर्ट हमारे हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी ग्वादर एयरपोर्ट अरब अमारात के पास है एयरपोर्ट हमारे मोटरवेज हिंदुस्तानी कंपनियों को अमरीकी कंपनीज़ को बैरूनी खाने या गिरवी रखवा रहे हैं बेच रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं या लीज़ कर रहे हैं जो मर्जी नाम आप दे दें अंदरूनी कर्ज दे, तारीख के सबसे बुलंद सतह पर और अवाम पर, अवाम पर अवाम पर बिजली के बिल गिराए जा रहे हैं नर्क सात रुपये बासठ पैसे बदमाशी देखें कि बिजली के बिलों में रेडियो पाकिस्तान की फीस भी डाल दी अब रेडियो पाकिस्तान की किसे क्या ताल्लुक है उसकी तनख्वाह यहाँ से निकालेंगे लूटने का रंग बिरंगा नया तरीका वो शुगर डैडी जहांगीर थी अभी हुकूमत में नहीं आया तो चीनी एक सौ साठ रुपये अब देखिए हुकूमत में मौजूद ये जो लोग हैं मैं सिर्फ इस पी डी एम की अगर आपको बताऊँ पचासी शुगर मिले हैं पाकिस्तान में जिसमें से साठ इन लोगों की हैं इन सियासतदानों को जो हुकूमत आप पे कर करें पहले नंबर पर आल शरीफ है नवाज शरीफ खाना नो शुगर मिले कि नो जो डी जी आई एस आई सबिक अख्तर रहमान उसके दो बेटे हारून अख्तर हमायू अख्तर उनकी दो मिले सिंध में आसे वाली जरदारी खानदान की चार शुगर मिले हैं जहांगीर तरीन की दो शुगर मिलें अब आप देखें इस तरह के पी के में भी एक दो बंदे इस तरह जका अशरफ पी सी बी का जो चेयरमैन अभी लगाया उसकी भी एक शुगर मिल है चौधरी शुजात की शुगर मिल है मतलब अंदाजा करें कि ये वो हुक्मरान है आपके ना जिन्होंने माल छीन कर आपसे खर्च करके फिर लोटे दोबारा लाने हैं मजाला है आवाम आगे से एक लफ्ज़ भी बोले सरकारी अफसरान के लिए देखें गाड़ियां खरीदे दो अरब तैतीस करोड़ रुपया फंड मंजूर उसमें यह तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को करोला सोलह सो सीसी गाड़ी दे रहे असिस्टेंट को सीसी सी और जो तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर है उसे डबल केबन डाले मतलब मैं हैरान होता हूं और अमनो अमान इनके होते हुए ज़रा देखे सिंध में पन्ू आकल में कच्चे के डाकू जिस तरह राज कर रहे हैं वो मेरे ट्विटर पर जाकर आप वीडियो चेक करें बिल्कुल जिस तरह शोले फिल्म की शूटिंग गबर सिंह और उसके डाकू दो हजार तेईस में आ गए बस मोटरसाइकिल की जगह घोड़े की जगह मोटरसाइकिल आ गया बस बाकी ये बिल्कुल ऐसे लगता है अफ्रीका का गमोल का सिविल वॉर चल रही है ये के -पी में बदली पुलिस के अंदर वो कल जो धमाका हो उसमें डी एस पी खैबर वो पश्तो में आई को क्या कह रहा था ये बंद करो खेल हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तीन दिनों में के पी में तीन दहशत गर्दी के वाकत पिछले साल ये जो गुजरा इनका उसमें छः सौ पैंसठ वाकई सारी फोर्स सारी ताकत सारा जोर खान के तोड़ने पर लगा दिया उन्होंने वो तो टूट नहीं रहा वो तो देखें यूट्यूब व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक आप सारे मिला के देखें तो इमरान खान को तकरीबन चार पाँच करोड़ लोग रोज़ाना सुन रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान की तमाम सियासी जिंदगी की तमाम तकरीरें आप इकट्ठी करें एक तरफ इमरान खान की एक दिन के बराबर नहीं है मैं आपको बता रहा हूं इनका मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल देखिए अरबों रुपए लगा के पचास चैनल बनाए डेढ़ सौ एंकर सात से बारह की अपनी दुकानें खोलते सबको बनाए उनके दुल्हन मेकअप समेत रोजाना की शब्द में अस्सी लाख से ऊपर उनके व्यूअर्स नहीं जाते ये रिकॉर्ड इनके आप देख सकते हैं आप सारी चीजें नौजवानों को सियासी अमल से बस अलग करने की वारदातें हर जगह अब जो नई वारदात दरसगाँव में यूनिवर्सिटियों में मंशात और नौजवान लड़कियों की जो फ़ाश वीडियो बनाने का सिलसिला चल रहा है वो एक बड़ा अलार्मिंग काम है अभी बहावलपुर में देखें वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है वहाँ पर एक उनका सिक्योरिटी का चीफ हेड मेजर रिटायर्ड एजाज शाह मंशात भी वीडियोज़ और तस्वीर के फ़ोन से निकल रही हैं बेचता भी था वो और याद रखें ये वही मामला है जो कसूर में हुआ था ये नौजवान बच्चों को इसीलिए लगा रहे हैं कि वो अपने मुस्कबिल की फिक्र नशे में लग रहे ना जाए खान की तरफ जनूबी पंजाब में तीस करोड़ की बोली लगती है इन यूनिवर्सिटियों में इन दरसगाहों में ताकि बड़े बड़े उहदों पर लगा के अपने लोग वहाँ मनसूबे के तहत बाकायदा तौर पर नशा और ये चीज़ें भेज रहे हैं नौजवान तबके को मायूसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ये तो कहते हैं जी रियासत माँ की तरह होती है ऐसी तो माँ नागे नहीं अपने बच्चे खुद खा रही है बहार अच्छा, फवाज चौधरी की बात करें इलेक्शन कमीशन को कहने आपको पता मुंशी कहने पर उसे सिकंदर सुल्तान राजा ने पिछले साल एफ आई आर अगस्त में करवाई थी आज चार रुकनी बेंच में फवाद चौधरी पहुंचा अपने भाई के साथ और यह बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था पहले वकला की फौज जाया करती तो खान का सिपाही था आज अकेला फैसल चौधरी भाई के साथ तो वहाँ तहरीक इंसाफ का कहता जी नज़रिया था मेरा वो पार्टी का मैं तर्जमान था पोजीशन थी मेरी मैं इदारे की बड़ी इज्जत करता हूँ मुझे इन लोगों ने अब आपको उसने कैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसको रगड़ा लगाने का मौका मिल गया उसने कहा तुम्हें अगर चीफ कहे कि बंदा मार दो मार दोगे गए उसने कहा नहीं जी वो नजरिया मैं ये वो अब बहर मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे हाथ जोड़ के मेरा केस ख़त्म कर दें उसने कहा माफ़ी नामा लिख के भेजो पहली अगस्त को हम दोबारा इस मामले को रिव्यू करेंगे देखेंगे अब चूंकि फौज चौधरी तरीके इस्तेकाम में अहदा नहीं ले रहा जब तक ये येदा नहीं लेगा या ये लोग उसको लगाएंगे नहीं तो इसके मामला ठीक नहीं हो सकते और बाकी ही मामला था। इसके भी और जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं देखें स्कूलों को कॉलेजों को नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि जी पहले दौरा करो उस घर का फिर डिग्री मिलेगी आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बच्चे शहीद हुए बेदर्दी से और मीडिया में सरकारी तकरीबा में अब आवाज़ भी नहीं हतराज हो पाकिस्तान का उन नौ ग्यारह था आज भी दिल दुखता है मेरे रबते में वो बच्चे की यकीन करें इधर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लोग लेकिन बारह काजी फायद साहब का भी एक रिव्यू पड़ा है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने क्या किया कि हुकूमत ने एक दरख्वास्त की थी कि इनका क्यूरेटिव रिव्यू होता है वो फैसला महफूज रखने का ना अब उन्होंने तफसीली फैसला जारी कर दिया और जो कानूनी रुकावट थी फायज़ साहब के चीफ जस्टिस बनने में ये भी उमर बंदयाल साहब ने हटा दी आज और अब काजी फायज साहब के जो फैसले हैं वो क्या क्या फैसले हैं पानामा केस का फैसले का जायजा ले सकते हैं मिल्ट्री कोर्ट्स पर इजाजत दे सकते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें वो अब कर सकते हैं तो बंदयाल साहब ने भी जाते हुए अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन उनका इज्जत से गुजारूँ पाकिस्तान जाने और उसके लोग भी जाने खुद ही लड़ते रहेंगे खुद ही ठीक करते रहेंगे मैं निकल जाऊँगा यूरोप अपनी जैसे इफ्तार चौधरी और हमारे माजी के बड़े बड़े जरनेल बार जजेस साफ़ सारे लोग बाहर निकल जाते हैं ये भी चले जाएंगे पाकिस्तान इन शब कायम रहेगा अपना काम करते रहेंगे अपना खास ख्याल रखें इन अगले वीला तक मुझे इजाजत दें अला हाफ